जो वीडियो देखिए मणिपुर के अंदर जिस तरह दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है भीड़ द्वारा और उनके विरोधी साथ होते हैं और उस दरमियान ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करने वाली है। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डेंगे आंकते हैं, लेकिन मणिपुर में जाए की खुद की सरकार गृहमंत्री दौरा करते हैं, ये स्थिति मणिपुर की हिंसा जो इसमें सरकारी आंकड़े दिए करीब 150 करीब बता रहे हैं, लेकिन वहां मौतें हजारों की तादाद में मौतें हैं, विधायकों पर हमले हुए, विधायक एडमिट है दिल्ली के अंदर, ये शर्मसार करने वाली घटना है। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल से रिपोर्ट लेकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए सरकार को वहां पे, और ऐसे उपद्रवी जो भी हो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मणिपुर हमारे देश का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर्यटन दृष्टि से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसका महत्वपूर्ण भाग है, हमारा बॉर्डर का इलाका भी है। तो मणिपुर की हिंसा की रोकथाम कैसे हो, उपद्रवी कौन है, वहाँ शासन फेल है, दिल्ली बंगाल या दूसरी जगह होता तो तुरंत के अंदर रिपोर्ट लेकर उस बात का बखेड़ा बनाते, लेकिन मणिपुर के मामले में सॉफ्ट है। कल हमने ऑल पार्टी मीटिंग में मामला उठाया था, राजनाथ सिंह ने हमें आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा सदन के अंदर कराएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री का ये बयान आया, उन्होंने कहा है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो कहते रहते प्रधानमंत्री जी बातें करते हैं ज्यादा काम करते हैं, जब देश उनको जान चुका 24 में उनकी राह आसान नहीं है देश का। आपकी तरफ से किन मुद्दों को उठाया जाएगा? देखिए मेरी तरफ से महंगाई जो टमाटर 150-200-300 रुपए हो गया, बेरोजगारी पे चर्चा हो, ईस्टर्न कैनाल जो हमारी राजस्थान की परियोजना है उस जल संसाधन मंत्री राजस्थान चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं राज्य सरकार करी, राज्य सरकार करी, विदेश इनके बीच में लटक गई ERCP, तो हम चाहते हैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, लेकिन राजस्थान के जो पूर्वी जिले हैं हमारे यहाँ से अलवर लेके आडोरा इनको रात मिले पीने के पानी की सिंचाई की, और एक हमें अधिक से अधिक मौका मिले। तो पार्लियामेंट का नया भवन बना है, आप देखिए दुर्भाग्य से कितना जोर शोर से उद्घाटन किया उसमें पानी भर गया और पुराने भवन के अंदर हमें बैठना पड़ा, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होता। आखिरी सवाल, तमाम मुद्दों को अग्निपथ का भी उठाएंगे, पहलवान बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ उस मामले को।